दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीजीपी 3.0 वर्जन के बारे में, जो भी ऑफिशियली सीएससी ने लॉन्च कर दिया है। तो क्या है जरूरी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे कि न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो सबसे पहले ले चलता हूँ डीजी मेल में और न्यूज़ बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है डीजीपी वर्जन 3.0 नोटिफिकेशन। डीजीपी 3.0 वर्जन हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड सीएससी कैन वीएलईज कैन डाउनलोड नाउ फ्रॉम सेटअप फाइल्स। तो जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो आप आएंगे इस पेज पे, यहाँ पे आपको डाउनलोड डीजीपी 3.0 दिख जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा डाउनलोड। देन यहाँ पे सो इन फोल्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, नीचे मिल जाएगा सेटअप, सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे देन यस करेंगे तो आपके सामने ही ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल होने लगेगा। नेक्स्ट 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 करेंगे, फिनिश कर देंगे, हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेम रहेगा। देन नीचे यहाँ पे आरडी सर्विस भी आपको बताएगी किस तरीके से करना है, तो आप अपने डिवाइस का सेटअप भी इसको देख के कर सकते हैं। देन यहाँ पे सीएससी आईडी डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आप फिंगरप्रिंट लगा के रजिस्टर कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या है नया मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही सर्विसेज थी सेम सर्विसेज हैं, कमीशन भी सेम है। अभी कमीशन आपको T+1 बेसिस पे मिलेगा और TDS ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा डीजीपे वैलेट बैलेंस से। देन यहाँ पे वीएलईज नीड टू अपडेट देयर करेक्ट बैंक डिटेल ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल, डिजिटल डीजीपे पे आउट रिक्वेस्ट अमाउंट विल बी सेटल्ड इन वीएलईज बैंक अकाउंट विच इज रजिस्टर्ड इन डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में अकाउंट रजिस्टर्ड है, यानी कि जब आपने सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था जो अकाउंट नंबर दिया था उसी में डीजीपे का अमाउंट जो है सेटल होगा, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को डीजीपे में अदर अकाउंट से। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप कोई अदर अकाउंट डालते हैं तो आपका जो सेटल अमाउंट जो है सेटल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में यदि कोई ऐसा अकाउंट ऐड है जो आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसको अपडेट कर लें, उसके बाद में वही सेम अकाउंट आपका डीजीपे में शो करेगा, उसी में अमाउंट जाएगा। तो दोस्तों करना क्या है, यदि आपका कोई ऐसा अकाउंट ऐड है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप जान पाएंगे किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट डिटेल आपको चेंज करनी है डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वर्जन 3.0 लॉन्च हो चुका है, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और पहले से कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए कि बेल आइकन प्रेस है या नहीं, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं है तो आपका नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज का नहीं जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।